बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे स्नैक्स लेके आया हूं जो झटपट ही तैयार हो जाते हैं और इनको आप 10 से 12 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं और ख़ास बात ये कि ये बहुत ही कम पैसों में तैयार हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप यहाँ पे हम मैदे के लेंगे जिनको पहले हमने अच्छे से छान लिया था। बहुत अहम चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक आ जाएगा क्योंकि ये नमकीन होते हैं। 1 टीस्पून साबुत जीरा लेंगे जिसको अच्छी तरह से हथेली से मसल लेंगे ताकि इनकी खुशबू, टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अजवाइन बहुत इंपॉर्टेंट, 1/2 टीस्पून जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा लग रही है लेकिन क्वांटिटी इसमें ज़्यादा ही जाती है तो आप इतनी ही ऐड करेंगे। अच्छे से हाथों से मसल के ऐड कर देंगे। अगली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है घी। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1/4 कप यानी कि 5 से 6 टेबलस्पून। ये इस रेसिपी को क्रिस्पी करने के लिए बहुत अहम है। और ये है दही, तकरीबन आधी प्याली, तकरीबन ये 5 से 6 टेबलस्पून बन जाती है। दही का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि हमने इसको फुलाना है, खमीर का काम यहाँ पे दही करेगी। अच्छी तरह से पानी ऐड करने से पहले आपने इसको मिक्स करना है। इससे क्या होता है कि हमारी जो फाइनल रेसिपी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है घी के मिक्स होने की वजह से। तो ये कुछ इस टाइप की इसकी शेप आ जाएगी। देखें ये दानेदार सा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंथ लेना है। नीम गर्म पानी से भी इसका खमीर बहुत जल्दी जो है वो बन जाता है जिससे रेसिपी जो है बहुत हमारी शानदार तरीके से फूल जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी। चलें जी, अच्छे से गूंथ लेने के बाद कम से कम इसको हम 12 से 15 मिनट का स्टे ज़रूर देंगे। इससे हमारी जो डो है स्टेबल हो जाएगी। ये थोड़ी सी आपने हार्ड डो रखनी है, ठीक है, पतली नरम नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 15 मिनट बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे डो हमारी जो है वो स्टेबल है, तैयार है। अब आपने क्या करना है, हाथों को उछल लगाना है। ध्यान से देखिएगा, इसकी शेप देना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही आसान, जिस तरह से हलवाई करते हैं उसी अंदाज में हम करेंगे इंशाल्लाह, उनसे भी बेहतर करेंगे। तो एक पेड़ा सा बना लेंगे ताकि हमको ये बेलने में आसानी हो। नीचे खुशका आपने ज़्यादा लगाना है नॉर्मली रोटी की निस्बत क्योंकि यहाँ पर ये नीचे चिपकना नहीं चाहिए। हम इसको बेल लेंगे और बहुत ही आसानी से ये बेल जाएगा क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है आटा। तो ये ले, बहुत मोटी या बिल्कुल पतली नहीं हम इसको करेंगे, मीडियम साइज़ की जितनी रोटी होती है उससे थोड़ी सी मोटी इसकी हम रोटी सी बना लेंगे। अब आपने क्या करना है, कोई भी एक स्केल ले लेना है, उसकी मदद से या किसी भी इस तरह के नाइफ़ की मदद से आपने इसकी स्ट्रेट लाइनिंग कटिंग करनी है, बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है। कभी भी किसी भी रेसिपी में जो कटिंग होती है, खूबसूरती होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपकी महारत का, आपकी जहानत का, आपके एक्सपीरियंस का पता चलता है। तो बाद में दूसरी हम वर्टिकल थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में कट कर देंगे ताकि जो शेप है हमारे स्नैक्स की वो ज़रा खूबसूरत आए। तो ये देखें, कटिंग हमने कर ली है क्योंकि हमने नीचे खुशका अच्छे से लगाया था, इसलिए बहुत आसानी से उतर जाएगा। बिल्कुल भी जो हमारा टेबल है उसके साथ ये चिपकेगा नहीं, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने कुकिंग ऑयल को गर्म किया है। आराम के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी खुशका है, डो काफ़ी हार्ड है, तो ये आपस में जुड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे आराम के साथ जब तक कि ये गोल्डन नहीं इस तरह के हो जाते, ठीक है। आपने इनको गोल्डन करना है, जस्ट वाइट वाइट से नहीं निकालें वरना ये क्रिस्पी नहीं होंगे। चलें जी, फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार बरसो, बहुत ही क्रिस्पी मैदे के स्नैक्स तैयार हैं। इनको पोपड़ भी कहा जाता है, इनके बहुत से नाम हैं। आप आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है ज़रूर बताइएगा। इनको आप 10 से 12 दिन के लिए एयरटाइट जार में रख के सेव कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जानसर की इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, क्विक एंड इजी रेसिपीज़ के लिए, लंच बॉक्स रेसिपी के लिए, पुलाव की रेसिपी के लिए, बिरयानी रेसिपी के लिए, इसके अलावा हर तरह के गोश्त की रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।